लेकिन भाभी समझाती है बेटा केवल दूल्हा बनाओ। बहुत जल्दी में है चस्पा, असगुन हो रहे हैं। इक्यावन रुपए से हमें सम्मानित किया है गुप्त दान में, ऐसी माताओं का आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहे। और ये छोटे से बच्चा यानी हमारे मनोज भैया के पुत्र ने श्रीमान अशोक ठेकेदार जी के भतीजे हैं, इन्होंने 101 रुपए से हमें सम्मानित किया है। भगवान कन्हैया से यही आशा करते हैं प्रभु इस बच्चे को लंबी आयु दे, हमेशा पुष्प की तरह खिलाता रहे, किसी भी बात की कोई कमी ना हो। अब जैसे ही भाभी दूल्हा बनाने के लिए चली गई, लेकिन अशगुन होने लगे। अशगुन होने लगे हैं घर में, बिलैया रोने लगी, सामने से चीख हो गई, पटा से पैर फिसल गया। लड़कियां जो गाने गा रही थी, गाना गाना तो बंद कर दिया, हंसने लगे। शेषपाल कहने लगा, ए लड़की क्यों हंसी, काहे को हंसी, अरे गिर गए तो कौन सी बड़ी बात है, बहादुर लोग तो हमेशा गिरते ही रहते हैं। लड़कियां गीत गा रही हैं।
मौसी के लड़का दंत भक्त से ससुराल बोला है, देखो एक काम करो, हम रुक्मिणी के साथ शादी करने के लिए जा रहे हैं, तुम फौज सजाओ, शीघ्र ले चलो फौज को। श्री सुखदेव जी